ड्रिंक में मिला दो, लड़की दो घंटे तक एक्साइटेड रहेगी, बाकी आपका टैलेंट है। टैलेंट तो है ही नहीं। एमएक्स प्लेयर ने इस बार बेस्ट कॉमिक एक्टर्स को एक साथ लाया है और बना दिया है एक छोटा सा वेब शो आपके कमरे में कोई रहता है। इस शो में है बाबा, चितवन, माधव और नवीन। अपना प्लीज एक काम कर दो, या तो अपने घर में हमें सुला लो या तो कोई फ्लैट दिलवा दो, ऐसा नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो गया। शो एक कॉमेडी जॉनरा का है और इसमें हॉरर घुसा दिया गया है और पहले दो एपिसोड में बस आप हंसते ही रह जाएंगे। 5 एपिसोड की ये सीरीज काफी तगड़ी सीरीज है। सो आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा और जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आगे आपसे मिस ना हो। सो शुरू करते हैं वीडियो का एक क्विक रिकैप के साथ। तो ये स्टोरी 4 बैचलर्स की है जो शो के स्टार्टिंग में ही अपने घर से निकाल दिए जाते हैं और फिर बाद में उनको एक फ्लैट मिलता है जो कि एक शमशान घाट के ऊपर बना होता है। दिवाली और हाउस वार्मिंग की पार्टी के दिन सन की लड़कियों की ड्रिंक में कुछ मिला देता है और सब भंड हो जाते हैं। ड्रिंक में मिला दो, लड़की दो घंटे तक एक्साइटेड रहेगी, बाकी आपका टैलेंट है। टैलेंट तो है ही नहीं। अब इसके बाद मौसम, जो नई लड़की आई होती है कंपनी में, वो पार्टी में आती है और कैसोनोवा बाबा उसे पटा लेता है, पर कवि को उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अब कवि उन दोनों को देख लेता है और बाद में उसी रात उस वो मर जाता है हार्ट अटैक से। पुलिस को लगता है कि इन तीनों ने कवि को मार दिया है और इनकी नौकरी भी चली जाती है। अब मौसम को उसके फ्लैट से भी निकाल देते हैं तो वो भी यहीं इनके साथ रहने चली आती है। फिर मौसम के अंदर कवि का भूत आ जाता है और वो सबसे पहले नीचे रहने वाली आंटी, जिसके साथ बाबा का चक्कर चल रहा होता है, उसे मार देती है। अब सबको पता चलता है कि कवि का भूत मौसम के अंदर है। अच्छा सुन, तू ना बस एक बार शर्ट खोल के दिखा दे, तू बोलेगा तो मैं छूंगा भी नहीं, टच वच नहीं करेंगे हम। हाँ, वो सब मिलके आंटी की बॉडी डिस्पोज कर देते हैं और उसके बाद कवि अब जबरदस्ती मौसम की शादी बाबा से करवाना चाहता है, पर बाबा अपने कैसोनोवा टाइप आदमी होते हैं और वो उससे मना कर देते हैं। जिस फ्लैट में ये रहते हैं उसका बिल्डर उस फ्लैट को तुड़वा के नया फ्लैट बनवा चाहता है और पुलिस भी उनके साथ मिली होती है। अब शादी का दिन होता है तो सब वहाँ आते हैं और पता चलता है कि शुक्ला जी, मकान के मालिक, ने कवि को मारा था। पर शुक्ला जी के अंदर भी एक भूत आ गया था, वो भी उसका, जो पहले यहाँ रहता था इस जमीन पे और इसे बिल्डर ने मारा था। अब बिल्डर यहाँ आता है तो आत्मा पुलिस इंस्पेक्टर पे आ जाती है और वो बिल्डर को मार देता है और इसके बाद हैप्पी एंडिंग हो जाती है और कवि की आत्मा अचानक गायब हो जाती है। सो ये था सब था जो हुआ 5 एपिसोड में। अब मजे की बात ये कि कवि की आत्मा अचानक गायब हो जाती है, तो इससे ये थोड़ा सा इशारा होता है कि ये सीजन 2 के लिए प्लॉट हो सकता है। और ये भी बात है कि चितवन के बिना बाबा कैसे रहेंगे ही। पर ये सीरीज़ अपने में ही एक कंप्लीट सीरीज़ है और काफ़ी अच्छी है, तो अगर नेक्स्ट सीजन नहीं भी आया तो लोग उतना डिसअपॉइंट नहीं होंगे। पर ये कॉमेडी सीरीज़ बहुत ही बढ़िया सीरीज़ में से है और इसका नेक्स्ट सीज़न तो बनता है। काफ़ी अच्छी जोड़ी है चारों बैचलर्स की। और एक सवाल ये भी है कि क्या मौसम की शादी होगी बाबा के साथ, तो इस सवाल को भी नेक्स्ट सीज़न के प्लॉट की तरह यूज़ किया जा सकता है। सो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या हुआ है इस शो में। और अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।